स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार। आप सभी को हमारे प्रेरणा टीवी चैनल के तरफ से भी दीदी नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दीदी आपको स्वयं सहायता से जुड़ी उसके साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाएंगी सबसे पहले आपको अवगत करा दिया जाएगा और आप लोग दीदी लाभ जरूर उठाएं। मेरा काम है वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाता, आप सभी को जानकारी देना, लेकिन दीदी जब तक आप लोग प्रयास नहीं करेंगी, कोशिश नहीं करेंगी तो लाभ आप तक नहीं पहुंचेगा। मेरा काम है आपको अवगत कराना, जी हाँ आपको जानकारी देना, लेकिन लाभ आप तभी उठा पाएंगे जब खुद से प्रयास करेंगे। जी हाँ, जैसे बजट में महिलाओं पर खास फोकस दिया जा रहा है, इस बात का विशेष ध्यान दें। स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ जो हैं उन पर खास कर फोकस किया जा रहा है। बजट में महिलाओं पर खास फोकस, ये खास ऐप लॉन्च करने की तैयारी में गहलोत सरकार। राजस्थान सरकार ने बजट में महिलाओं पर खास ध्यान दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ANM के बीच समन्वय के लिए A.3 ऐप लॉन्च किया जाएगा। बजट में महिलाओं पर खास फोकस, ये ऐप लॉन्च करने की तैयारी में गहलोत सरकार। बजट में गहलोत सरकार ने महिलाओं पर खास फोकस किया है। कोरोना काल, जी हाँ कोरोना काल, COVID-19 के बीच राजस्थान के लिए एक समग्र बजट पेश करने की कोशिश की गई है। राजस्थान में इस बार महिला और बाल विकास विभाग के लिए बजट अहम बिंदुओं पर ही सिमटा रहा हो, लेकिन प्रदेश में महिला बाल विकास पर खास ध्यान दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी तथा ANM के माध्यम से बेहतर समन्वय के लिए A.3 ऐप लॉन्च किया जाएगा। इससे प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों पर, जी हाँ इससे प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बेहतर काम करने की कोशिश की जाएगी और टेक्नोलॉजी की मदद से हर मामले में रियल टाइम अपडेट मिलेगा। प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने एक और संस्थान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को समर्पित किया है, HCM रीपा। जयपुर में इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में आंगनबाड़ी पोषाहार की गुणवत्ता बढ़ाने तथा विविधता लाने की कार्यवाही की जाएगी। स्थानीय विद्यालयों की देखरेख में संचालित 37,400 आंगनबाड़ी केंद्रों और 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में के बच्चों के लिए 225 करोड़ रुपए की लागत से उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित किया गया है। बच्चों में नशे की आदत रोकने और उन्हें इन हालत में से बाहर निकालने के लिए नेहरू बाल संरक्षण कोष के तहत जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर एवं उदयपुर संभाग मुख्यालय पर समेकित बाल पुनर्वास केंद्रों की स्थापना स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से चरणबद्ध रूप से किया जाना प्रस्तावित है। बजट में इस बिंदुओं पर दिया गया ध्यान, राज्य सरकार अनाथ एवं उपेक्षित बच्चों की देखभाल, संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे बच्चों को पुनर्वास के लिए अभिनव पहल करते हुए से समन्वय कर सभी जिला मुख्यालयों पर गोरा ध्याय ग्रुप सेंटर, जी हाँ फोस्टर केयर का संचालन प्रस्तावित किया गया है। आंगनबाड़ियों की दशा सुधारने और प्री स्कूलों गतिविधियों की समुचित व्यवस्था करने के लिए 25,000 आंगनबाड़ियों को चरणबद्ध रूप से नंद घर योजना में सम्मिलित करना प्रस्तावित किया गया है। हेल्थ और हाइजीन को ध्यान में रखते हुए छात्राओं और किशोरियों की सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। DTC बसों में, जी हाँ DTC बसों में सुरक्षित होगा महिलाओं का सफ़र। ISBT में बनेगा कंट्रोल रूम, मिलेगा रियल टाइम डाटा। अब इसका दायरा बढ़ते हुए सभी महिलाओं को आवश्यकता अनुसार यह सुविधा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ घूंघट प्रथा भी है तथा महिलाएं अपनी ऐसी समस्याएं किसी से संकोचवश कह नहीं पाती हैं,
इस कारण अनेक रोगों से ग्रसित हो जाती हैं तथा उन्हें समय पर इलाज भी नसीब नहीं होता है। इसलिए महिला एसएचजी, जी हाँ, इसलिए महिला एसएचजी सामाजिक संस्थाओं एवं एनजीओ एस के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधित विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जाकर सैनिटरी नैपकिन का वितरण करवाया जाएगा। इसलिए इन संगठनों को उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रोत्साहित राशि दी जाएगी। इस योजना से 200 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। बजट में महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने एवं काउंसलिंग के लिए जयपुर समेत सभी जिलों, जी हां, जयपुर समेत सभी जिलों मुख्यालयों पर इंदिरा महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना प्रस्तावित किया गया है। इस पर 15 करोड़ रुपए का व्यय होगा। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाए जाने के लिए राजीविका के ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित सामग्री की 1,00,000 रुपए तक की सीधी सरकारी खरीद कर प्रावधान है। अमृत सोसाइटी की तर्ज पर किया जाएगा। जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 250 माँ बाड़ी केंद्र स्थापित किए जाने बजट में प्रस्तावित है। अगर आप एक स्वयं सहायता समूह की महिला हैं तो आप लोग ध्यान दीजिए अपने समूह पर। जी हां, पंचसूत का पालन करते रहिए। साप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक बचत, आंतरिक उधार, समर्थन वापसी, लेखा जोखा, इन पंचसूत्रों का करें पालन और लाभ उठाएं सरकारी योजनाओं का। जी हां दीदी, कोरोना काल में COVID-19 के बीच राजस्थान के लिए एक समग्र बजट पेश करने की कोशिश की गई है। राजस्थान में इस बार महिला और बाल विकास विभाग के लिए बजट अहम बिंदुओं पर ही सिमटा रहा हो, लेकिन प्रदेश में महिला बाल विकास पर खास ध्यान दिया गया है, तो इस बार विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो आप लोग अपने समूहों पर, अपने सज्जे पर विशेष ध्यान दें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी तथा ANM के माध्यम बेहतर समन्वय के लिए A.3 ऐप लॉन्च किया जाएगा। इससे प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बेहतर काम करने की कोशिश की जाएगी और टेक्नोलॉजी की मदद से हर मामले में रियल टाइम अपडेट मिलेगा। प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने एक ओर स्थापना संस्थान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को समर्पित किया है। HCM रीपा जयपुर में इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान समर्पित किया जाएगा। अगर आप एक दीदी स्वयं सहायता समूह की महिला हैं तो ध्यान दें इस बात पर कि अपनी मीटिंग को बराबर करते रहें, पंचसूत का पालन करते रहें। अगर आप अपने पंचसूत का पालन करेंगी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। तो हर वीडियो में जैसे मैं बताती हूँ, तो इस बात को इसीलिए कि आप लोग ध्यान दें। आप लोग बैठक नहीं कर रही, मुझे काफ़ी सूचनाएं आ रही हैं, तो प्लीज़ दीदी आप लोग बैठकें कीजिए, मीटिंग करिए, लेन देन करिए और समूह को आगे बढ़ाइए, समूह को सक्रिय बनाइए। तो चलिए दीदी, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें और अधिक जानकारी के लिए प्रेरणा TV चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।